लाडली लक्ष्मी उत्सव अंतर्गत बालिकाओं का हुआ सम्मान। लाडली लक्ष्मी उत्सव में 11 मई तक आयोजित होंगे बालिकाओं से संबंधित कार्यक्रम। आपको बता दें कि लाडली लक्ष्मी उत्सव का विगत शाम आगाज हो गया है। प्रथम दिवस उत्कृष्ट कार्य करने वाली व मेधावी बालिकाओं का सम्मान किया गया। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल तथा कलेक्टर मनोज पुष्प ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली जिले की लाडली लक्ष्मी व मेघावी छात्राओं का सम्मान किया गया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना से समाज में सकारात्मक संदेश गया है। मुख्यमंत्री द्वारा 2006 में प्रारंभ इस अभिनव योजना ने प्रदेश में बेटियों को सर्वांगीण विकास का कार्य किया और अन्य प्रदेशों ने भी इसे अपने यहाँ अपनाया है। रीवा जिले में जो लाडली बेटियाँ हैं वो बड़ी होकर मेघावी छात्राएं बन गई हैं। उनकी प्रतिभा से जिले का नाम रोशन हुआ है। श्री शुक्ल ने कहा कि बेटियां खूब पढ़ें व अपने तथा अपने जिले प्रदेश व देश का नाम रोशन करें तथा जिस पद पर जाएं वहां समाज व देश हित की चिंता करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ हुई थी आज वो उद्देश्य फलीभूत हो रहे हैं। मुख्यमंत्री की लाडली बेटियां सभी की लाडली हैं तो उनके बेहतरी के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 2 मई से 11 मई तक जिले में लाडली उत्सव के तहत विभिन्न आयोजन होंगे जिनमें बेटियों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम तथा उनके स्वास्थ्य परीक्षण व अन्य आयोजन होंगे। प्रस्तुत है कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। जब शुरू की गई थी तो जिन उद्देश्यों को लेकर शुरू की गई थी वो आज यहाँ अमली जामा पहनाया हुआ दिख रहा है। जैसी परिकल्पना थी कि हम लाडलियों को सहेजेंगे, संवारेंगे, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल कैरियर की चिंता पालेंगे, तो आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारी लाडली लक्ष्मियाँ बड़ी हो गई हैं। कोई 10th पास कर लिया है, कोई 12th पास कर लिया है, सभी अब कैरियर ओरिएंटेड हो रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम लोगों के सामने जो अभियान शुरू किया गया वो अभियान उस मुकाम को पहुंच रहा है जिसके लिए उसको बनाया गया था। आज हम लोग जो ये विशेष उत्सव 2 तारीख से 11 तारीख के बीच में मनाया जा रहा है उसकी शुरुआत कर रहे हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय विधायक जी इस समय हम लोगों के बीच है और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने अपना समय दिया है। जैसी हम लोगों ने परिकल्पना की थी कि डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ की बच्चियां जो अचीव कर रही हैं उनको हम यहां पर उपस्थित करें, उनके साथ बात करें, उनके अनुभव बांटें और उनको अप्रिसिएट करें ताकि आपको देख के दूसरी बच्चियां भी प्रभावित हो। हम लोगों ने यह भी कोशिश की थी कि उनके पेरेंट्स को भी बुलाएं। जो कार्यक्रम की श्रृंखला है इसमें तो हम दादी नानी तक भी पहुंचेंगे और पूरे जिले में ये कार्यक्रम हम लोग आयोजित करेंगे। हमारी कोशिश है आप सभी के माध्यम से जो अचीवर्स हैं कि आप जितनी बच्चियों को जोड़ सकें अपने एफर्ट से उतनी बच्चियों को जोड़ें और कोशिश ये करें कि हर बच्ची उस मुकाम को पहुँचे जिस मुकाम के लिए ईश्वर ने उनको यहाँ भेजा है। जरूरी नहीं है कि सभी पढ़ाई करें और डॉक्टर बने और इंजीनियर बने और कलेक्टर बने। कुछ हॉकी भी खेल सकते हैं, कुछ कबड्डी भी खेल सकते हैं, कुछ सिंगर भी बन सकते हैं, कुछ पेंटर भी बन सकते हैं। जितने भी आयाम हैं चाहे स्पेस साइंस से लेके नासा से लेके और पेंटिंग तक, भरतनाट्यम तक, म्यूजिक तक, सभी में बच्चियाँ छाई हुई हैं। और जैसा मैडम बता रही थी कि बच्चियों को डरना नहीं है, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। हमें इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए भेजा गया है और ये दुनिया केवल आपकी उपस्थिति से खूबसूरत होती है। अगर दुनिया में आप न हो तो इसकी पूरी खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो हमको इस अपने कंट्रीब्यूशन को हमेशा महसूस करना है कि हम हैं इसलिए ये दुनिया ऐसी है। हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को कैरियर में हेल्प करें और जहाँ कहीं भी कोई तकलीफ आपको महसूस होता है तो ये जो